हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। इस नए यूट्यूब चैनल पे जो कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू हुआ है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी खामियां का भी सामना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा होगा शुरुआती पीरियड्स में। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि ये हम लोगों का ऑनलाइन का उतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है। इससे पहले मैं ऑफलाइन टीचिंग करता था, कि परिस्थितियों के अनुसार मुझे इस पर, मैं भी यूज टू होना चाहता हूँ, मैं भी इस पे पढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए एक संघर्ष जारी है, एक पहल जारी है, मुश्किलों का दौर जारी है और हमें आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। इस मुश्किल के दौर में आप लोगों के लिए भी मुश्किल वक्त है, सही से आप प्रॉपर टीचर्स सभी ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपना समय बिता रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इस चैनल पे आपका स्वागत है और आप लोग इस चैनल पे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़े हैं, उसके बाद मैथमेटिकल टूल्स आप लोग पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में पिछले क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था और उस पर कुछ सवाल करवाए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं। आप लोग 11th में पढ़ते हैं, आप कैलकुलेशन मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिएगा, उसके लिए हमें माफी चाहते हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक आध जगह कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, आप लोग उसको बारीकी से कैलकुलेशन को आप देख सकते हैं और आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। यहां से हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम इसे इम्प्रूव करें ज्यादा से ज्यादा। तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं कि आप लोग कुछ गलतियां हो जाती है कैलकुलेशन में, आप लोग उस पर थोड़ा सा मतलब आप उसे ठीक कर लिया करेंगे। आप लोगों को जहां अगर प्रॉब्लम्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में बोले, हम उस पर उसको इम्प्रूवमेंट करने की, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। शुरुआती पीरियड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा इसकी उम्मीद है और बहुत जल्दी ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन ठीक कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की जिम्मेदारी हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। तो ये चीज है आपको करना है। फिलहाल हम नए टॉपिक पर जाने से पहले डिफरेंशिएशन के कुछ और कॉन्सेप्ट को, कुछ और सवाल को जान लेते हैं, कुछ और टाइप्स को जान लेते हैं, ताकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में मिलेंगे, मैथमेटिक्स में मिलेंगे, तो इसलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। आज हम कुछ नए टाइप के सवाल के साथ आए हैं, उसको देखते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन आज हम देखते हैं। आपको एक फंक्शन है, जैसे मान लिया जाए y प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है। बात क्लियर, dy बाय dx फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फंक्शन है x प्लस y इज इक्वल टू पाई, यहां से देखिए हम y को सेपरेट आउट आसानी से कर सकते हैं और लिख सकते हैं
मतलब वेरिएबल को सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, इसमें सेपरेट करना आसान। वेरिएबल को मैंने आसानी से सेपरेट करके लिख दिया। आप कहिएगा सर इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वह होगा वाई का डिफरेंशिएशन होगा डीवाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं डी पाई बाई डी एक्स। तो हम यहां से कह सकते हैं इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन जीरो इसका माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन। आप इसमें देखिए वेरिएबल को आसानी से सेपरेट आउट कर पाते हैं और उसका डी वाई बाई डी एक्स आसानी से निकाल रहे हैं। क्या यहां पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा? यहां पे आप आसानी से इसे सेपरेट आउट कर पा रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इस फंक्शन में y को यानी कि dy by dx को आसानी से सेपरेट आउट कर पाते हैं, जो भी वेरिएबल है उसको हम सेपरेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे इस विषय में सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे x प्लस y इक्वल टू साइन y दे दिया, यहां से आप y को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें तो dy by dx इसमें ही फाइंड आउट करना, तो इसमें dy by dx फाइंड करने के लिए हमें देखिए y एक साइन के अंदर फंक्शन, साइन के अंदर y मतलब डिग्री के रूप में y, यहां से अगर y को सेपरेट करना चाहिएगा तो नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए एक और फंक्शन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का सर। इसमें भी देखिए एक्स वाई दोनों फंसा हुआ है वेरिएबल, तो हमें dy by dx इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। तो जिसमें dy by dx आसानी से सेपरेट करना थोड़ा सा टफ हो, मुश्किल हो, ठीक है, सेपरेट आसानी से नहीं हो रहा, वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसमें ज्यादा कुछ बात है नहीं, सिर्फ आपको एक नाम दे दिया है सेपरेट और कोई बात नहीं है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना उसी तरह है, सिर्फ हमें क्या करना है dy by dx को सेपरेट आउट कर लेना। आपको नाम याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है dy by dx निकालना, जो भी आपने डिफ्रेंशिएशन का रूल पढ़ा है उसके रूल से आपको dy by dx निकालना। बात यहां पर क्लियर है? अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उसे देखते हैं। चलिए उस दोनों सवाल को लेने से पहले एक और सिंपल सवाल लेते हैं, उसके बाद आकर के हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब देखिए dy by dx निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन dx स्क्वायर बाय dx प्लस dy स्क्वायर बाय dx इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर बाय dx, इसको हमने पहला सवाल आपका आज का क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, सर कहिएगा x का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 होगा, तो हमने नहीं लिखा, बात सही है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2x इंटू 1 1 हो जाएगा, बात क्लियर है। अब देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2y होगा, क्योंकि y पर पावर 2 है, 2 आगे चलाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अब आप देखिए अब x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहां dx by dx का टर्म होता प्रोडक्ट के फॉर्म में, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होती इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी, वह होगा dy by dx, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अब आप कहिएगा 2x plus 2y, अब आप देखिए यहां से 2y dy by dx, अब देखिए ये इधर चला जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, यहां से आप देखिएगा 2 और 2 कैंसिल है इसलिए dy by dx आप क्या लिखिएगा माइनस x अपॉन y, बात क्लियर है। dy by dx का यहां से जो है फाइनल डिफरेंशिएशन आया x अपॉन y,
आपको ये समझ में आ गया होगा क्या माइनस एक्स अपॉन वाई। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। देखिए डिफ्रेंशिएशन ये तीसरा लेक्चर है डिफ्रेंशिएशन का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे के वीडियो लेक्चर को देखिए, तब आपको ये समझ में आएंगे। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा था। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट मीन्स डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। बात यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिए डीएक्स स्क्वायर बाय डी एक्स वाई डीवाई स्क्वायर बाय डी एक्स, यहां पर एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहां पर डी ए स्क्वायर बाय डी एक्स। हमने एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स लिखा, वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं, इसलिए यह डीवाई बाय डी एक्स हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब 2x को मैंने इधर भेज दिया तो माइनस टू एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया माइनस एक्स अपॉन वन। अब ये सवाल आपसे आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें सेपरेट आउट करके निकालना। एक और सिंपल सा सवाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसा डिफ्रेंसिएशन आ गया, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy वाई बाई डी एक्स, साइन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, क्योंकि एंगल में y है तो साइन का कॉस y। अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स। अब यहां देखिए इसका कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, x के ही रिस्पेक्ट में करें तो उसका वन होगा, तो वहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करते हैं dy by dx को सेपरेट आउट कर लेते हैं। यहां से देखिए dy by dx को कॉमन ले लेते हैं, dy by dx को कॉमन लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पर बचेगा वन, यहां पर बचेगा cos y, बचेगा sin y का cos y dy by dx माइनस sin x इधर है। अब हम इसलिए dy by dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस वाई, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, माइनस साइन वाई बाय वन प्लस कॉस वाई। बात क्लियर है। अब देखिए अब उस दोनों सवाल को करते हैं। अब आप dy by dx को सेपरेट करना आसानी से सीख गए होंगे। अब देखिए ऊपर वाला सवाल तो बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसका इसका क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन वाई। एक्स का डिफ्रेंसिएशन अपने रिस्पेक्ट में कहिएगा सर वन, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, साइन का कॉस वाई, y का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो dy by dx। बात क्लियर है। हम क्या करते हैं, वन इज इक्वल टू cos y dy by dx माइनस इधर चला जाएगा dy by dx। अब देखिए वन बाय dy by dx आप कॉमन ले लिए तो यहां बचा cos y माइनस वन, बचेगा। अब यहां पर देखिए dy by dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने इधर किया है वन बाय cos y माइनस वन हो जाएगा। dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कह सकते हैं सर हम यहां पर भी इसको सेपरेट कर लेते, हम इसको लिख देते y माइनस साइन y इज इक्वल टू x कर देते, सॉरी x नहीं कर सकते, हम ऐसे लिख सकते थे x इक्वल टू साइन y, हम माइनस y इसको उधर भेज दी, इसका डिफ्रेंसिएशन तो वन हो जाता, ये क्या हो जाता cos y dy by dx माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन dy by dx। अब आप क्या करते, वन इक्वल टू dy by dx को कॉमन लेते थे, यहां पर क्या बचता cos y माइनस वन, तो ये क्या होता है वन बाय कॉस वाई माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। आप ऐसे भी कर सकते थे, बात क्लियर है।
चलिए इस तरह से अब आगे देखते हैं, वो सवाल कर लेते हैं। एक सवाल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करना। चलिए देखिए, क्योंकि यह u इंटू वी पर है तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx स्क्वायर बाय dx, y को कांस्टेंट रखेंगे प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे। इसका काम क्लियर है, हमने क्या किया, x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, y को कांस्टेंट रखा, y को डिफ्रेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा। यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने आपको प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, जब मैंने आपको चैन रूल पढ़ाया, पहले cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंस माइनस साइन y साइन एक्स वाई हो जाए क्योंकि एंगल में एक्स वाई। अब आप कहिएगा सर इसमें हम क्या करें, पहले इसमें भी u इंटू वी लगाएंगे तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, रख दिया, x को कांस्टेंट रखेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आगे चलते हैं, y स्क्वायर में ये होगा 2y dy by dx। बात यहां पर क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं, dx स्क्वायर by dx इंटू वाई प्लस dy by dx, y का डिफ्रेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos x का माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन dx by dx इंटू वाई प्लस x कांस्टेंट है यहां पे मल्टीप्लाइड बाय y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू 2y इंटू dy by dx। अब यहां पर देखिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन आप करिएगा, ये क्या होगा 2x इंटू वाई एक्स स्क्वायर का प्लस 2x इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स हम इसे लिख लेते हैं, बात यहां से क्लियर हो जाएगी। अब हम इसको खोल लेते हैं, माइनस साइन एक्स वाई, अब देखिए यहां पर डी एक्स बाय डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन वन इंटू वाई वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई, बात क्लियर है। इस टर्म को मैंने लिखा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे भी होगा तो माइनस होगा, एक्स यहां पर आ जाएंगे एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, बात क्लियर है, 2y dy by dx। अब हमें क्या करना है, dy by dx को सेपरेट करना है अगले टर्म से, dx स्क्वायर by dx 2x into y x स्क्वायर dy by dx माइनस साइन एक्स वाई, वाई यहां से इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस y साइन एक्स वाई माइनस x साइन एक्स वाई, ये वाला टर्म dy by dx, ये वाला टर्म उसके बाद इज इक्वल टू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखिए हम लिख सकते हैं टू एक्स वाई, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म है। अब यहां पर देखिए माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम उधर से लाते हैं तो माइनस 2y dy by dx, यहां तक बात क्लियर है। ये टर्म हमारा आता था dy by dx का, ये टर्म हमारा था dy by dx का, ये टर्म हमारा था dy by dx, बात क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब हम इसे क्या करते हैं, इस दोनों टर्म को उधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आज प्लस हो जाएगा, y sin x y माइनस 2yx, बात क्लियर है, या 2xy, बात क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर
dy बाय dx को कॉमन ले लिया जाए, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस x साइन एक्स वाई माइनस टू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई माइनस टू वाई एक्स। अब आप लिख सकते हैं इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई माइनस टू वाई एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस टू वाई। ये हमारा dy बाय dx का डिफ्रेंसिएशन आ जाए, y साइन एक्स वाई माइनस टू वाई एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस टू वाई। बात क्लियर है यहां तक? आप लोग कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग सही कर सकते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगा तो आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मैं कोशिश करता हूं आपको कैलकुलेशन सही जाए। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, मिटा दें इसके। चलिए आगे कुछ और सवाल इस पर करते हैं। एक आध और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन, इसमें डी वाई डी एक्स निकालना है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा टू साइन एक्स, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूं, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का टू कॉस वाई, साइन एक्स का कॉस वाई का माइनस माइनस साइन वाई। अब वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाय डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो। अब आप कहिएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप क्या कीजिए, इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा, ये हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन इसके साथ में माइनस है। अब आप इसको उधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा, वही फॉर्मूला, दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, राइट इट।
ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर से यू इंटू वी पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू वाई वाई, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन मैंने किया 1 हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 इंटू वाई वाई हो जाएगा, x को कांस्टेंट रखेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx प्लस, अब हमने y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2y dy by dx is equal to 10x का डिफरेंशिएशन sec square x और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx। बात यहां पर क्लियर है, यहां पर देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा dx dy by dx के टर्म को हम एक साथ पहले लिख लेते हैं, x dy by dx प्लस 2y dy by dx, ये देखिए माइनस हो जाएगा इधर माइनस dy by dx, x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस dy by dx। बात क्लियर है, x dy by dx प्लस 2y dy by dx माइनस इधर किया dy by dx। आप देखिए ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा dy by dx को कॉमन लेंगे, यहां से हो जाएगा x प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसीलिए क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस वाई by x प्लस टू वाई माइनस वन। चलिए चलिए ये चीजें हो गई, चलिए आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसे। चलिए अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला और लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन, चलिए हेडिंग दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन। डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स,
यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? डी कॉस इनवर्स, देखिए यहां पे डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका माइनस लगा दीजिए, माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? चलिए डी टेन इनवर्स वन बाय डी एक्स, इसका होगा मतलब टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको सिर्फ फॉर्मूला कहीं आपको लगे तो इसका यूज कर सकते हैं, डी कॉट इनवर्स एक्स बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, माइनस लगा देना है। बात क्लियर है? डी सेक इनवर्स, सॉरी डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले सेक इनवर्स को लिख देते हैं, उसके बाद आपको माइनस उधर लगने वाला है, इसका होगा वन बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसका होगा डी कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, ये होगा, यहां सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, वन बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला का आप यूज कीजिएगा, ज्यादा यूज नहीं होगा आपको, कभी कभी ना कभी इसके यूज पड़ सकते हैं फिजिक्स में, मैंने इसको लिखा दिया। चलिए मिटा दें, कुछ सिंपल सिंपल सवाल भी कर लेते हैं। पहला सवाल देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना, वाई इक्वल टू में फंक्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना। इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। चलिए देखते हैं कैसे जीरो होगा। सर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपको मैंने बताया, डीएक्स प्लस डी कॉस इनवर्स वन बाय डी एक्स, ये होगा वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स, तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, उत्तर आ गया जीरो। मिटा दें, सिंपल सिम, इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया आपको। इसमें ज्यादा डीपली सवाल मैं लेके नहीं जाऊंगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू है, इसका भी उत्तर जीरो होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, टेन इनवर्स एक्स का होगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स एक्स का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, चलिए चलिए हेडिंग दीजिए एक और कॉन्सेप्ट का,
जो कि शायद लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म का देखिए, इसमें क्या होता है, दो फंक्शंस रहेंगे, वह किसी सेम क्वांटिटी पर डिपेंड करता होगा। जैसे देखिए, x इक्वल टू आपको दे दिया 2 cos थीटा और y इक्वल टू दे दिया sin थीटा। हमें पूछा फाइंड dy by dx। ये भी देखिए, x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पर, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पर, मतलब कोई दो भी दो फंक्शन सेम वेरिएबल पर सेम क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें निकालना है फाइंड dy by dx। आपसे पूछा गया फाइंड dy by dx। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थीटा मतलब जो जिस पर डिपेंड कर रहा है दोनों, उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देना। बात क्लियर है? देखिए, इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin थीटा। बात क्लियर है? इसका क्या होगा, dy by d थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। dy by d थीटा क्या होगा, cos थीटा। क्योंकि हमें dy by dx निकालना है तो समीकरण इक्वेशन जो सेकेंड है उसमें डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। तो आप क्या होगा, आप देखिएगा dy by d थीटा ये पलट जाएगा, d थीटा by dx हो जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा by माइनस 2 sin थीटा हो जाएगा। तो माइनस 1 by 2 cos थीटा by sin थीटा cot थीटा। इसलिए आप क्या कहिएगा, dy by dx दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, dy by dx क्या हो जाएगा, आप देखिए dy by dx चलाया माइनस 1 by 2 cot थीटा। माइनस 1 by 2 cot थीटा। चलिए मिटा दें, कुछ और सवाल इस पे भी कर लेते हैं। चलिए एक सवाल है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 पर पावर 4। आप कहेगा सर ये दोनों फंक्शन जो है t पर डिपेंड कर रहा है, हमको dy by dx कहाँ है निकालने के लिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये दोनों फंक्शन t पर डिपेंड कर रहे हैं और हमें क्या कहता है dy by dx निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले d, क्योंकि t पर डिपेंड कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि ये 2a कांस्टेंट टर्म है तो ये मल्टीप्लाइड में रह जाएगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t। आप कहिएगा सर ये हो जाएगा 480। बात क्लियर है? आगे देखते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए dy by dt निकालेंगे हम, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, 4tq हो जाएगा, इसको क्या लिखेगा 4atq, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। हमें इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से भाग देना है, यानी कि dy by dt अपॉन dt by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 से 80 कट जाएगा, यहां बचेगा t स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा,
30 पर, इसलिए आप कहिएगा डी वाई बाई डी एक्स, बहुत सिंपल सा आंसर आया 30 पर। आपको क्या करना है, सिंपल सा जिस पर डिपेंड करता है वो दोनों फंक्शन, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना अच्छा सवाल है, सिंपल सिंपल आप लोग सवाल कर लीजिए। से मिटा दें इसको, चलिए कुछ और सवाल कर लेते हैं, एक आध सवाल और कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह के ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, इसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि यह दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्यों ना इसका dx बाय डी थीटा निकाल लें। dx बाय डी थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन होगा, ये होगा कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। आगे चलते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या हो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए, ये बिल्कुल सर, डी वाई बाय डी थीटा क्या होगा, ए का डिफरेंस, ए तो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि ये प्रोडक्ट के रूप में था इसलिए आ गया यहां पर जीरो, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, क्यों ना हम उस माइनस को यहां प्लस कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं डी वाई बाय डी एक्स, इससे इसमें भाग देना तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा बटे ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब बताइए ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आप यहां पर भी उत्तर छोड़ सकते हैं, साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा, ये भी सही है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, दिस एंड दिस कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय टू, ये फॉर्मूला होता है। चलिए चलिए इस तरह से आप समझ गए होंगे इसको, यहां तक मैं आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं। चलिए चलते हैं, लास्ट टॉपिक ट्रिकोनोमेट्री का देख लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि आपको मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं लेकिन कुछ सवाल सेपरेटली हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे करवा देते हैं। कल लास्ट वीडियो आएगा डिफ्रेंसिएशन का, जो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताएगा, वो चीज है। चलिए इसको देखते हैं, लास्ट वीडियो जो कि कभी कभी आपको फिजिक्स में उसका यूज होगा, तो कल का क्लास जो होगा डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग लास्ट मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का। चलिए कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे और सवाल कर लेते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चलिए
यानी कि हमें निकालना है इस बार डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो हमारा डी वाई बाय डी, इसको पढ़ते क्या है डी टू वाई, डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। आपको डी स्क्वायर वाई नहीं पढ़ना, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये निकालना है, जैसे एक सवाल लेते हैं हम एक्स इक्वल टू फाइव एक्स पर पावर फोर, सॉरी वाई इक्वल टू फाइव एक्स पर पावर फोर है, सपोज दैट। इसमें कहा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा बीस एक्स क्यू होगा। अब हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बीस इंटू थ्री हो जाएगा, फिर से पावर इसका घट जाएगा, तीन में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा दो आ जाएगा, तो सिक्सटी एक्स स्क्वायर। आपका ये क्या निकल गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है, इस पर कुछ सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, तो बात क्लियर हो जाएगा दोबारा डिफ्रेंशिएट करने वाली बात। चलिए इसका प्रयोग हम लोग एक्सप्रेशन निकालने में ज्यादा करेंगे, जब हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक्सप्रेशन जब निकालेंगे तब हम इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे। जैसे एक सवाल है, इसमें हमें क्या निकालना है, एक्स पर पावर फोर प्लस फाइव एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमें क्या निकालना है, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना, फिर उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट कर देना। चलिए कहिएगा सर हम डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, अब तो आप लोग आसानी से कर पाइए, कहिएगा फोर एक्स क्यू होगा, पांच दिया पंद्रह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। बात क्लियर है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो क्या होगा, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जीरो। मैंने क्या बोला, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स प्लस सिक्स, फिर से होगी यही हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जीरो नहीं लिखेंगे। चलिए बात क्लियर है, मिटा दें। y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और निकालना है फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। चलिए हम क्या करेंगे, आप लोग भी ट्राई कर देखिए, आप करते हैं तो ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन वन बाय एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको कीजिएगा फिर से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, इसका हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस टू माइनस, अब इसको कीजिएगा तो टू माइनस माइनस प्लस टू बाय एक्स क्यू हो जाएगा। इसको कैसे किया था आप देख लीजिए, माइनस एक्स माइनस टू है मेरे पास में, अब बताइए माइनस टू इधर चला आएगा, माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री यानी कि माइनस टू बाय एक्स क्यू, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है।
सिंपल सिंपल आपको सवाल आएंगे इस समय, कोई ज्यादा नहीं है कि हमें कुछ करना है। y इक्वल टू log x प्लस टेन एक्स आ गया सर, इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फाइन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है y इक्वल टू log x प्लस टेन एक्स, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। चलिए dy बाय डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, टेन एक्स का sec स्क्वायर x। अब हमें क्या निकालना है d2y टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन रख लीजिए माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ठीक, प्लस 2 sec x। अब sec x को डिफ्रेंसिएट करेंगे, sec x इंटू टेन एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, राइट इट। चलिए एक और सवाल कर लीजिए, शायद लास्ट सवाल होगा। हमें करना है y इक्वल टू log log x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, कीजिए तो y इक्वल टू log log x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल टू log log x, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। बात क्लियर है, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 बाय x, क्योंकि log के स्थान पे x के स्थान पे log है तो log हो जाएगा, और इसके अंदर भी है तो 1 बाय x log x का, इसका डिफ्रेंसिएशन तो सबसे पहले हो जाएगा 1 बाय x log x, ये समझ में आ गया। अब इसे डिफ्रेंसिएट करना है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखाना है, आप घबराइए नहीं, इसको आप लिख सकते हैं x log x पर पावर माइनस वन लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए, अंदर बाहर कर दीजिए, तो x log x पर पावर माइनस टू हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस वन आगे आ जाए तो माइनस लिख दिया। अब अंदर में जो टर्म है उसे डिफ्रेंशिएट, इसको u इंटू v पर तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा वन x का डिफ्रेंसिएशन वन इंटू log x हो जाएगा प्लस x बाय वन बाय x, बात क्लियर है। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं माइनस x log x पर पावर माइनस टू इंटू वन प्लस log x, बात क्लियर है, माइनस आगे कर दीजिए, वन प्लस log x को ऊपर रख दीजिए, क्योंकि यह माइनस में पावर है इसलिए इसको पकड़ के आप नीचे कर दीजिए x log x का होल स्क्वायर, देखिए कितना प्यारा आंसर है। चलिए ठीक है, अब आपके साथ आपके आपको मैं कुछ सवाल दे देता हूं जो कि आप घर पे ट्राई कीजिएगा, घर पे आप बनाइएगा। मिटा दें इसे, आप इसे ट्राई कीजिएगा। फाइंड डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना, पहला सवाल है y इक्वल टू एक्स पर पावर माइनस फोर प्लस थ्री एक्स पर पावर माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर, दूसरा सवाल है y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर दीजिए, तीसरा सवाल है y इक्वल टू टू साइन थीटा माइनस कॉस टू थीटा,
चौथा सवाल है y इक्वल टू log e टू दी पावर x, पांचवा सवाल है y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका d टू y बाई डी एक्स निकालना। चलिए आगे चलते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स देते हैं इधर, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा। एक्स प्लस साइन टू वाई इज इक्वल टू कॉस टू वाई, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कॉस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस साइन थ्री वाई प्लस कॉस एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तीसरा सवाल है एक्स इक्वल टू टू टेन थीटा और वाई इक्वल टू फाइव कॉस थीटा, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चौथा सवाल है एक्स इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू फाइव प्लस टू टी स्क्वायर। पांचवा सवाल है एक्स इक्वल टू टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू टू टेन थीटा, सॉरी एक्स इक्वल टू टू फाइव एक्स चलिए एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए फोर बाय टी क्यू, y इक्वल टू फाइव माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी। चलिए इसको आप बना लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक के साथ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के साथ। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप के लिए मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट क्लास होगा डिफरेंशिएशन का, उसके बाद इंटीग्रेशन की क्लास होंगे। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।